हाँ जी, जे क्यूरी का बता रही थी मैं। जे क्यूरी जो है वो आपकी जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, ठीक है। ये उसकी एक फाइल बनाई गई है HTML की, उसके अंदर क्या काम किया है। HTML के अंदर आप सिंपल कोडिंग की है, एक बूटस्ट्रैप की, CSS की फाइल ऐड की है वैसे, और एक जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है जे क्यूरी की वो ऐड की है, जिसका वर्जन ऐड किया हुआ है, ऑटोमेटिकली नेट से लिया होगा। अच्छा, ये अब उसको कंप्लीट किया है कि उसमें एक डिव बनाई हुई है, ये एक डिव बनाई हुई है, ठीक है। उस डिव के अंदर एक और डिव है, एक डिव है उसकी क्लास का नाम दे दिया है, रिमोट रॉन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है जो भी। उसके अंदर एक और डिव बनाई हुई है, उसकी क्लास का नाम दे दिया है ऑफसेट। ये आपकी जो एक्चुअली ये है, ये जो ऑफसेट है ये आपकी बूटस्ट्रैप की है, ठीक है। क्लासेस ये बूटस्ट्रैप की है, कंटेनर बूटस्ट्रैप की है, ठीक है। उसके अंदर एक हेडर का टैग यूज किया हुआ है, फिर उसके बाद उधर बोल्ड का टैग यूज किया है जेक्यूरी के। ये जेक्यूरी को क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। ये स्पैन लगाया हुआ है टैग, ये जो आपकी सारे के सारे क्लासेस है ना बेटा, ये आपकी क्लासेस जो है वो बूटस्ट्रैप की है। जब आप इस तरह क्लासेस लिख देते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप की जो फाइल ऊपर अटैच की गई है ऑटोमेटिकली इस क्लासेस को एक्सेस कर लेता है, और ये क्लासेस आप लोगों को याद ही करनी पड़ती है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं ना लगा सकते। आप लोगों को भाव ना होगी तो आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करो, ठीक है। ये वाली आईडी आप लोगों ने खुद दी है, क्लासेस उसकी बूटस्ट्रैप की हैं, ये आईडीज आपकी हैं, ठीक है। लाइक इस चीज की कोडिंग थी, ये वाले ये लेबल्स दिए हैं पूरे के पूरे, ये लेबल है डिफॉल्ट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। तो ये जो आपके लेबल थे, ये आपके सारे के सारे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह के बटन्स भी लगाने हैं तो लेबल की जगह पे बटन लिखेंगे, तो प्राइमरी का हो जाएगा, सक्सेस का हो जाएगा, इन्फो का हो जाएगा, वार्निंग का हो जाएगा, डेंजर का हो जाएगा। भाई उसके कलर सेट किए गए हैं, सक्सेस हम कहते हैं ना ग्रीन कलर हो गया, सक्सेस हो गई, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ब्लू कलर हो गया, वार्निंग देनी है तो हम कहते हैं ऑरेंज या येलो का ले लें, और डेंजर वो तो पता ही है लाल रंग का होता है, रेड कलर का प्योर। ये जेक्यूरी की एग्जाम्पल्स हैं, लाइक इसमें सिलेक्टर्स और इवेंट हैंडलिंग दोनों काम होते हैं। आईडी ले लें, क्लास ले लें, इवेंट हैंडलिंग मतलब हाइड कर लो, टॉगल कर लो, ठीक है। कोई भी इवेंट, कोई भी परफॉर्म होना, भाई थोड़ी सी शेडिंग आके डाटा हाइड हो रहा है, थोड़ा सा टॉगल की फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा सा रिजर्व हो रहा है, थोड़ा सा मतलब घूम रहा है डाटा, तो ये सारे के सारे इवेंट हैंडलिंग के अंदर आते हैं। जेक्यूरी का कोड की बात करें तो जेक्यूरी का कोड ऐसे लिखते हैं, डॉलर साइन, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई, फंक्शन, पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद जो मेन आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट की थी वो, और उसके एंड पे टर्मिनेटर, और उसके दरमियान में आपने एक कोड मेंशन करना होता है। दी अबव ब्लॉक इज शॉर्ट हैंड फॉर ब्लॉक। लाइक अब ये देखें, फंक्शन बनाया, ये है डॉक्यूमेंट का डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन रिजर्व वर्ड है, ये जो डॉट रेडी है ये भी सारी चीजें ये रिजर्व है। अब यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। वी कैन यूज मल्टीपल ब्लॉक, और ये आपकी इस चीज को बता रहा है कि अगर आपकी जो डिफॉल्ट की वैल्यू है, लाइक इस वाली आईडी की वैल्यू डॉट हाइड करें, और इतना टाइम ले वो इसको हाइड करने में, तो ये टाइमिंग लगाई हुई है कि इतना टाइम ले आपका डाटा जो है वो हाइड हो जाए, मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। आपका डाटा शो हुआ, जो भी उस डाटा में लिखा हुआ है उतनी देर तक आहिस्ता 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 जो है वो हाइड हो जाएगा। ये वही चीज है, फाइल लगाई हुई है, यहाँ पे आपको कंटेनर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक आईडी दी है, वो ही आईडी है आईडी डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है डिफॉल्ट वो आहिस्ता 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 हाइड होगा, लेकिन कितने मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में वैल्यू जो है वो दी जाती है। जेक्यूरी की एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ये वही चीज लगाई हुई है, लेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये फाइल्स अटैच हैं, अगर आपने अपनी एचटीएमएल की फाइल में करनी है तो ऐसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, ये याद रखें। उसके बाद आपने डॉलर साइन लाजमी यूज करना है, यही ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी में। फंक्शन अलहदा अलहदा फंक्शन के अंदर काम करना बड़ा आसान होता है, डॉलर साइन आईडी को गेट किया डॉट हाइड 1000 टाइम,
ये वो ही चीज है जो ऊपर बता के रही हूँ। अब उन्होंने एक फाइल के अंदर उसको अटैच कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ये बता रहा है ये प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग, ये डिफॉल्ट टेबल्स आ गए, ये कितने सेकंड के बाद, 100 मिली सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, लेबल हाइड हो जाएगा। हैश इज यूज टू सिलेक्ट द आईडी, वेर इज डॉट इज यूज टू एक्सेस द क्लास। ये तो आप लोगों को बता दिया हुआ बहुत बार मैंने। यहाँ पे भी लेबल्स लगे हुए हैं और कुछ नहीं, बट एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, वही चीज। अब लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज है, जो आईडी डिफॉल्ट वाली है वो इतने टाइम के बाद हाइड हो जाए, ठीक है, और डॉट लेबल, मतलब जो ये डॉट लेबल डेंजर वाली क्लास है, वो देखो डेंजर वाली क्लास नजर नहीं आ रही यहाँ पे ना आउटपुट में, वो क्या है, हाइड हो जाए, मतलब वो प्रॉपर ही हाइड कर दी है। उसके बाद डॉट लेबल जो है, डॉट सी एस, डॉट लेबल डॉट सी एस, उसकी जो अपेसिटी है, जितनी भी डॉट लेबल की वैल्यू है, जितनी भी डॉट लेबल की वैल्यू है, लाइक ये सारी डॉट लेबल की तो वैल्यू है, ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है, ऐसे क्लासेस, दो दो क्लासेस बनाई जा सकती है। ये जो डॉट लेबल है, अब सारे इशारों को लेबल की दी हो ना, टैग क्लास दी हुई है, ये टैग दिया हुआ टैग के अंदर, डॉट क्लास जो है डॉट लेबल डॉट सी एस एस, इसकी ओपेसिटी क्या कर दे, 0.5 कर दे, तभी तो इतना ये बिल्कुल लाइट सा शो हो रहा है, ये इसकी ओपेसिटी क्या है, कम है। अगर हम जेक्यूरी की सेपरेट फाइल बनाते हैं, अभी तो एचटीएमएल के अंदर ही काम कर रहे थे, तो ये जेक्यूरी डॉट जेएस, इसकी एक्सटेंशन भी डॉट जेएस है। फंक्शन डॉलर साइन फंक्शन, सेम वही चीज कोडिंग आपने बाहर लिखी है, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सारा काम वैसे ही किया है ना, बाकी फंक्शन भी वैसे ही लगाए हैं, बाकी उसका सिनेरियो भी वही फॉलो किया है। डॉलर साइन क्या है, आईडी को डॉट हाइट, उसके बाद डॉट लेबल डेंजर, जो ये डेंजर वाली क्लास है उसको क्या करते, शार्क इन डेंजरस, मतलब कि चेंज कंटेंट कर दे एचटीएमएल को यूज करते हुए, और ये इसकी आपकी एचटीएमएल की फाइल है। सिंपल एक सीएसएस का लिंक लगा हुआ है, और ये आपकी क्लासेस बनाई हुई हैं, चीजें वही है सेम, बस उसको डिफरेंट वे से करके दिखाया है, एम्बेडेड एक्सटर्नल दोनों वे से, जिसे हम इनलाइन कहते हैं वो काम किया है, लाइक एम्बेडेड किया है अपनी ही एचटीएमएल की फाइल में, या फिर हमने एक्सटर्नल किया है। ये देखिए ये होता है शार्क इन डेंजरस, उसने उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया एचटीएमएल में, उसने उसको बजाय डेंजरस लिखने की उसने उसको लिख दिया शार्क इन डेंजरस। गेट इनपुट मैम फ्रॉम, इसमें स्पेंट है क्यों? ये वही चीजें हैं, कंटेनर बनाया हुआ है, ये जो आपको मैंने बता दी है ना, ये जो आपकी जो क्लासेस हैं इससे परेशान नहीं होना, ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, रिजर्व क्लासेस, ठीक है। इस पैंट है कि छोटा कंटेनर है और कुछ भी नहीं, बस उसके अंदर छोटी छोटी डमी से ना, मतलब लिंक से बनाने के लिए उन्होंने यूज किया है। आप डिव भी यूज कर सकती हैं, जब डिव्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए बटन भी लगाए हुए हैं, ये बटन वगैरह का लगा हुआ है, ये बटन बटन एस एम मतलब स्मॉल हो, बटन डिफॉल्ट हो, और बटन का लेबल जो है वो कैसा हो, लेबल आईडी ये आपने दी है, लेबल आईडी डिफॉल्ट प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर, तो ये सारे के सारे आपकी सीएसएस की ही क्लासेस हैं। और यहाँ पे एक दूसरा ऐप जो जेएस ऐड की है, जेक्यूरी डॉट जेएस ऐड की है, ये जो आपकी ये वाली है ना, ये लाजमी ऐड करनी पड़ती है आपको, डॉट जे क्यूरी, ये जो है ना ये वाली फाइल, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, क्योंकि जे क्यूरी अपडेटेड होती है, और आपकी जो स्पीड होती है आपकी वेब की, उसको भी एक्सटेंड करती है, उसको भी हाई करती है, लाइक एसईओ हम करते हैं ना, तो समझ लें कि उसको ज्यादा स्पीडली काम करती है, तो जे क्यूरी ये यहाँ पे काम करिए, इसका वर्जन ऐड करना लाजमी होता है, इसकी वर्जन की फाइल डाउनलोड करते हैं और वो हम अपने फोल्डर में रखते हैं जहाँ पे हमने उसको शो करवाना है, और वो हम पाथ दे देते हैं, और अपनी एक जेक्यूटी की फाइल भी बनानी होती है जहाँ पे आपने अपनी कोडिंग करनी होती है। टॉगल लेबल और माउस क्लिक, दो चीजें, ठीक है। अब फंक्शन बनाया ऐसे, ये डॉलर साइन, पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई, पैरेंथेसिस क्लोज हुई, उस पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन बनाया, पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई, कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट हुई, कर्ली ब्रेसिस एंड हुई, टर्मिनेटर लगा। अब उस कर्ली ब्रेसिस के अंदर क्या आएगा, हैश है डिफॉल्ट हाइड कर दे, मतलब इतने मिली सेकेंड के बाद हाइड हो जाए, ठीक है।
थाउजेंड दिया है तो 300 आफ्टर मिलीसेकंड इसने हाइड हो जाना। डॉट लेबल क्लास को क्या करते हैं, ये भी इसको क्या शो करवाते, शार्प इन डेंजरस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। टूगल करने है, टूगल में क्या चीज बताई है, टूगल जब हम टूगल की बात करते हैं ना तो समझ लीजिए कोई एक्शन परफॉर्म होने लगा, कोई क्लिक का, माउस का कोई एक्शन परफॉर्म होने लगा। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन ये डॉलर साइन के साथ एक्सेस होना होता है, हैश आईडी को एक्सेस किया, डॉट ऑन क्लिक, ऐसे लिखा ऑन, पैरेंथेसिस ऐसे स्टार्ट हुई, इसका मतलब है क्लिक होगा, क्लिक होगा कॉमा, ठीक है, क्या क्लिक होगा, ये फंक्शन वार्निंग डॉट टूगल, ठीक है, मतलब क्लिक के ऊपर वो टोगलिंग के साथ आएगा, उसके हाइड आ रहा है ना, इसे टूगल से क्या होगा, थोड़ा सा आहिस्ता 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 आपका डाटा जो है वो शो होगा। ये देखिए ऐसे आपको जस्ट बताया है कि टोगल लेबल ऐसे शो होगा, हाइड हुआ, ये इसके ऊपर क्लिक किया वार्निंग के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे शो हो गए टोगल वार्निंग लेबल। ये उसके आगे वही चीजें की हुई है, टोगल किया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने इस बटन के ऊपर क्या किया हुआ है, एक एट्रीब्यूट वैल्यू सेट कर दी है लेबल आईडी, ठीक है, वेरिएबल, इसमें वेरिएबल्स भी बनते हैं, वेरिएबल आई, कोई भी वेरिएबल बनाया उसके अंदर क्या कर दिया, दिस डॉट, ये जो एट्रीब्यूट है दिस डॉट एट्रीब्यूट लेबल आईडी, जो भी उसकी आईडी है, डिफॉल्ट प्राइमरी इन्फो, ठीक है, टोगल वार्निंग, ये देखें यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा डिफॉल्ट जो है उसका लेबल बटन के क्लिक के ऊपर। इसकी तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखें, ये तो वैसे ही हो जानी है, क्योंकि जो एज इट इज कोडिंग लिखी है ना उसको कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे जो प्लस है वो इस हैश के साथ उसको कंकैटिनेट कर रहा है, लाइक ये जो हैश है, जितनी भी हैश मतलब आईडीज होंगी उसको कनेक्ट कर देगा लेबल आईडी डॉट टॉगल, वो सारी की सारी टॉगल की फॉर्म में आएंगी, मतलब वैसे ही जैसे हाइड होके आ रहा था इसमें टॉगल की फॉर्म में आपका डाटा जो है वो शो। डिफरेंट अब सिलेक्टर का लगाया है, ठीक है, सिलेक्टर यहाँ पे आपका ये जो है डॉलर साइन, इसके साथ जो भी आप वैल्यू जो है उसमें मेंशन करेंगे वो सारी चीजें आएंगी इसमें। ये देखिए ये सिलेक्टर के बारे में बता रहा है, इस तरह मेंशन करना, ये जेक्यूरी का सिलेक्टर है, ये देखिए जो भी क्लास है डायरेक्ट ऐसे ऐड हो रही है, ठीक है, सिलेक्ट क्लासेस करना, सिलेक्टर वही होता है ना, सिलेक्ट क्लासेस करना, ये देखिए आपने सिलेक्ट किया, ये डिफरेंट डॉट के साथ div जो है div ले लें, p ले लें, जो टैग्स है उसको ऐसे लेना है, अगर क्लास है तो उसको डॉट लगा देंगे, आईडी है तो वो क्या लगेगा, हैश लगेगा, ठीक है, सिलेक्ट आईडी। तो ये डिफरेंट सिलेक्टर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं ऊपर कि आपने क्लास को कैसे एक्सेस करना है, एक p, अब देखो टैग्स है, टैग्स को तो हमें सिंपल ही एक्सेस करना है ना, अगर आप इस तरह लेना चाहते हैं लाइक ये स्पैन है, स्पैन टैग लिया उसके अंदर डॉट फू, मतलब कोई एक क्लास है फू की, अब ये देखिए ये लिखा हुआ है जीरो कॉलन स्पैन क्लास फू, इसको ऐसे सिलेक्ट किया। मल्टीपल सिलेक्टर्स ऐसे लिए जा सकते हैं, पी हैश बार कोमा डॉट फू, मतलब पी के अंदर जो आईडी है हैश के साथ वो कोमा एक चीज डॉट फू क्लास, ये मल्टीपल सिलेक्टर्स हो गए, P के अंदर क्लास टू भी और P के अंदर बार भी आईडी, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये 3 है ना लेंथ। उसके बाद डिसेंडेंट एलिमेंट है, लाइक मैंने P के अंदर स्पैन लगाया हुआ या फिर स्पैन के अंदर P लगाया हुआ है, तो उसको कैसे एक्सेस करना है, P टैग के अंदर जो स्पैन है स्पेसिंग डालनी है, इसमें कोई कॉमा नहीं, ठीक है, कोई डॉट नहीं आना, बस इसमें स्पेस यूज करनी है स्पैन के अंदर, लाइक देखें सिलेक्ट स्पैन इनसाइड द पी, पी के अंदर मैंने स्पैन का टैग लगाया, पी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर स्पैन का टैग लगाया, मैंने कहा पी के अंदर जो स्पैन है उसको सिलेक्ट करो और इसके अंदर जो भी आपने काम करना है वो कर लें। फिर उसके बाद सिलेक्ट चाइल्ड एलिमेंट, अगर आपने चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, डॉलर साइन डिव है, डिव का एक टैग लगाया, आप ग्रेटर देन यूज करेंगे स्पैन,
ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिव के अंदर स्पैन, जब आपने एक टैग के अंदर दूसरे टैग को इस्तेमाल करना है तो कोई भी स्पेसिंग नहीं आनी। ठीक है, अगर क्लासेस यूज करनी, आईडी यूज करनी है तो वो आपने जो भी टैग है उसको यूज करना, लाइक पी का टैग है, डिव का है, डिव हैश आईडी का नेम लिखे, कॉमा डालें, उसके बाद क्लास डॉट के साथ एक्सेस करें। ठीक है, एट्रीब्यूट की सिलेक्टर कैसे करनी है वो आपकी बड़ी ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसके साथ यूज करने। माई आई डी इज इक्वल टू माई पैरामीटर, मतलब एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर उसकी वैल्यू दे दो। लाइक यहाँ पे देखे पी है, यहाँ पे क्या है माई आई डी इज इक्वल टू पैरामीटर, मैंने इस ये जो माई आई डी है उसकी क्या वैल्यू साइन की है माई पैरामीटर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर। फिल्टर्स, फिल्टर ऐसे होता है फर्स्ट वैल्यू लेनी है भाई, लास्ट वैल्यू लेनी है, ये उस चीज के लिए पी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट वैल्यू को उठा लो बस, पी पैराग्राफ लास्ट वैल्यू लास्ट एलिमेंट को उठा लो बस। पी नॉट मतलब क्या, विच डज नॉट हैव क्लास टू, मतलब पी नॉट हैव क्लास टू, ये वाली क्लास नहीं, बाकी उसके अलावा जितनी भी है वो सारी की सारी उठा लो। इसमें क्या है, हैज पेन इनसाइड पी, पी के अंदर P has pen. P colon hidden. Hidden कर देगा P को, जो आपका पैराग्राफ है उसको हिडन कर देगा, P विजिबल कर देगा, पैराग्राफ विजिबल कर देगा, ये जो जो चीजें हैं इसमें वो। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इज चिल्ड्रन को एक्सेस करना है, पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज आपको देनी है, ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं, इसके सिलेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे सिलेक्टर्स हैं। लाइक ये डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, ऊपर भी बता दी हुई हैं, बाकी सारी की सारी इसी चीज से रिलेटेड है। ये उसके ऑपरेशंस हैं जो अभी इसमें से हमने देखा है, हाइड क्या करेगा, शो ने क्या करना है, शो ने शो ही रखना है उसको, स्लाइड अप स्पीड के साथ, स्लाइड अप जितनी भी स्पीड आपने मेंशन करनी है, हाइड शो टॉगल फेड इन फेड आउट, ये सारी की चीजें इसमें आती है। इवन हैंडलिंग, इवेंट की जब हम बात करते हैं तो समझ ले कोई कीबोर्ड का या माउस का क्लिक होने वाला है, क्लिक की डाउन की प्रेस, की अप माउस डाउन माउस ओवर माउस क्लिक, दैट्स इट। ये थी आप लोगों की जे क्यूरी। ठीक है, जे क्यूरी जो है वो